कल हम लोग ने बैक्टीरिया के बारे में किया था, तो आज हम लोग सबसे सेकंड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम लोग ने चार टाइप देखा था। एक क्या था? बैक्टीरिया। चलो वापस वो टेबल जरा एक सेकंड बता देता हूँ रिवीजन के लिए। तो फर्स्ट क्या था? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर इसके बाद यहाँ पे था प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्या था? प्रोकैरियोट्स मतलब सिंपल सेल। और दूसरा है यूकैरियोट्स। एक है प्रोकैरियोट्स, दूसरा है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या है? सिंपल सेल स्ट्रक्चर है। सिंपल सेल स्ट्रक्चर में कौन आता है? सिर्फ बैक्टीरिया आता है। और यूकैरियोट्स में तीन टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। सबसे पहले कौन है? प्रोटिस्टा। उसके बाद नेक्स्ट कौन है? फंगाई। एंड सबसे लास्ट में है एल्गे। सबसे लास्ट में एल्गे। तो हम लोग ने बैक्टीरिया के बारे में ऑलरेडी कर लिया था। अभी हम लोग का जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा प्रोटिस्टा केस में। तो प्रोटिस्टा केस में हम लोग जिसको बोलेंगे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ बोलेंगे। अभी ये प्रोटोजोआ का जो साइज रहता है ये रहता है 200 माइक्रोमीटर। 200 माइक्रोमीटर का मतलब क्या है? ये रहेगा 200, मतलब इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? 200 × 10⁻⁶ मीटर लेंगे। इसका मतलब क्या रहेगा? ये रहेगा 0.000, और इसके बाद यहाँ पे और एक जीरो, इतना छोटा रहेगा। ठीक है, प्रोटोजोआ का जो साइज रहता है ये क्या रहता है? 200 माइक्रोमीटर। इसको भी हम लोग नॉर्मल आई से देख नहीं सकते, इसके लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप लगेगा। नेक्स्ट जो चीज है, नेक्स्ट क्या है? ये कहाँ पे दिखते हैं? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पहले लिखते हैं, जरा एक सेकंड रुको। हाँ ये लिखने का है, ये मैंने जो लिखा है ना ये लिख लेना। इसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट, दे आर फाउंड इन सॉइल। पहले दे आर फाउंड इन सॉइल, और दूसरा किधर है? फ्रेश वाटर। दे आर फाउंड इन सॉइल, फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। हाँ बोलो। नहीं जरूरत नहीं है, ये हम लोग ने कल किया ना ये टेबल, तो ये तो बनाने का जरूरत नहीं है, तो हम लोग कल ही बना लिया। तो हम लोग एक एक करके अभी पहले बैक्टीरिया फिर अभी प्रोटोजोआ उसके आगे करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है? सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एंड आर पैथोजेनिक। तो इसका मतलब मैं बताता हूं, सम आर फाउंड इन बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एंड आर पैथोजेनिक। अभी ये पैथोजेनिक का मतलब क्या है? ये क्या करेगा? डिजीज प्रोड्यूस करेगा। ये क्या करेगा? डिजीज प्रोड्यूस करेगा। डिजी प्रोड्यूसिंग जर्म्स लिखना। पैथोजेनिक का मतलब क्या है? डिजी प्रोड्यूसिंग जर्म्स। तो ये दूसरे बॉडीज के इसमें पैथोजेंस जैसा एक्ट करेगा। पैथोजेंस मतलब क्या? इनके बॉडीज में क्या करेगा? डिजीज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, पैथोजेनिक मतलब क्या? डिजी प्रोड्यूसिंग जर्म्स जैसे एक्ट करेगा। नेक्स्ट क्या है? ये लोग दे आर, एक सेकेंड, दे आर यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक सेल। दे आर यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक सेल। इसका मतलब क्या है? ये लोग को सिर्फ एक सिंगल सेल है, और इनका जो सेल है ये क्या है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स सेल है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट क्या रहेगा?
they have great variation in cell structure. They have great variation in cell structure. इसका मतलब क्या है कि एक दो जो ये रहते हैं, मतलब प्रोटोजोआज जो रहते हैं, इनके जो सेल्स में बहुत डिफरेंस है. मतलब कोई एक सेल के स्ट्रक्चर में वैक्यूल्स बहुत बड़ा रहेगा, कोई दूसरे इसमें वैक्यूल्स छोटा रहेगा, या फिर वैक्यूल रहेगा ही नहीं. तो मतलब क्या है, ग्रेट वेरिएशन का मतलब क्या है, देयर इज डिफरेंस इन सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड. देयर इज डिफरेंस इन सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड. इसका मतलब क्या है कि इनमें, इनके जो सेल्स रहते हैं, इनमें क्या रहता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल पार्ट्स रहते हैं. इनके जो सेल्स रहते हैं, इनमें क्या रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स स्ट्रक्चर्स रहते हैं. ठीक है, सेल पार्ट्स रहते हैं. अभी हम लोग इसके आगे के दो पॉइंट लिख, हाँ हाँ ये लिखो, ये पॉइंट्स में आता है, ये तीन पॉइंट लिखो और ये वेरिएशन का जरा मीनिंग लिखना. ये पॉइंट में आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, यहां का जो पॉइंट है इसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं. हाँ बोलो. हाँ ठीक, ये हाँ चलेगा, बस इतना ही लिख लो, इतना ही लिख लो. पहले का वो जो कल का टेबल बनाया था वही समझा, बस उतना ही. देयर इज डिफरेंस इन सेल ऑर्गेनेल्स. और इसके आगे का मैं पॉइंट यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन. लोकोमोशन का मतलब क्या है, लोकोमोशन का मतलब है मूवमेंट. लोकोमोशन का मतलब क्या रहता है, मूवमेंट. दे हैव ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर कॉमा ऑर्गन्स ऑफ लोकेशन. मतलब जो ऑर्गन्स उनको मूवमेंट के लिए हेल्प करते उसमें डिफरेंस रहता है. एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा सबसे लास्ट पॉइंट जो है, दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिविजन. दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिविजन. मतलब सेल डिविजन का मतलब क्या है, ये सपोज उनका सेल रहेगा, तो सेल डिविजन में क्या होता है, सेल डिवाइड होता है दो हिस्सों में, फिर आगे जाके क्या होएगा, ये ग्रो हो जाएगा, न्यूट्रिशन करके ये ग्रो हो जाएगा, फिर ये भी ब्रेक होएगा दो टुकड़ों में. तो ये ऑलमोस्ट हम लोग के बैक्टीरिया जैसे है, लेकिन यहां पे सिर्फ एक ही डिफरेंस क्या है, हाँ बोलो. यहां पे और बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है, बैक्टीरिया बस दो हिस्सों में डिवाइड होता है, लेकिन जो प्रोटोजोआस है ये कितने भी हिस्सों में डिवाइड हो सकता है. मतलब इसको अगर चार टुकड़ों में डिवाइड होएगा तो ये फोर ऑर्गेनिजम्स बनाएगा. बाइनरी फिजन में क्या होता है, बाइनरी फिजन में सिर्फ दो टुकड़ों में डिवाइड होता है. यहां पे क्या होता है, यहां पे जो सेल है ये कितने भी नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, यहां पे जो सेल्स है ये कितने भी नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, ये डिफरेंस है. इनका एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स रहेगा, फर्स्ट है अमीबा. अमीबा एक एग्जाम्पल है. इसके आगे नेक्स्ट ये लिखना, यूग्लेना. अमीबा और यूग्लेना ये इसका एग्जाम्पल्स लिखना. अमीबा क्या रहेगा, फ्री लिविंग रहेगा. अमीबा फ्री लिविंग इन वॉटर, मतलब ये खुद से जीता है, इंडिपेंडेंट है, मतलब खुद का फूड बनाता है. यूग्लेना, यूग्लेना भी क्या रहेगा, ऑटोट्रोफिक रहेगा. ऑटोट्रोफिक मतलब खुद का फूड बनाता है. फ्री लिविंग मतलब क्या, ये खुद से जीता है, इसको किसी और का सपोर्ट नहीं लगता है. फ्री लिविंग का मतलब क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, मतलब इनको फूड, मतलब इनको कोई
दूसरे एमीबा का जरूरत नहीं पड़े, खुद से जी सकते हैं। ऑटोट्रोफिक मतलब क्या, ये खुद का फूड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स बस लिख लेना। यूग लेना, EUGLENA, EUGLENA। अभी नेक्स्ट आता है थर्ड वाला जो है, थर्ड जो है ये क्या है, फंगाई। फंगाई के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है, ये क्या है, सैप्रोफाइट से। ये क्या करता है, डेड ऑर्गेनिजम्स पे अपने फूड के लिए डिपेंड करता है। इनका साइज रहता है 10 माइक्रोमीटर टू, कितना रहेगा, 100 माइक्रोमीटर। इनका साइज कितने से कितना रेंज करता है, 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर तक रेंज करता है। ओके, ये फर्स्ट वाला क्लियर है। अभी नेक्स्ट, फर्स्ट इसका पॉइंट रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स में, दे आर फाउंड इन, दे आर फाउंड इन डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, दे आर फाउंड इन डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अभी डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या है, एक सिंपल एग्जाम्पल लिखो, डेड लीव्स। हाँ, माइक्रोमीटर, ये माइक्रोमीटर हम लोग यू के साथ लिखते हैं, मतलब ऐसे यू, यू एम लिखो, स्मॉल यू एम और इधर भी स्मॉल यू। इसका ये लिखो डेड लीव्स, डेड प्लांट्स, डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का मतलब। उसके बाद डीकेइंग मैटर एंड डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, एंड डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, दे आर कैसे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक, दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, सम आर यूनिसेल्युलर, मतलब इनको एक सिर्फ सेल रहता है, एंड फ्यू आर विजिबल टू, एंड फ्यू आर विजिबल टू ह्यूमन आई। इसका मतलब क्या है, कोई कोई जो फंगाई है ये क्या है, सिर्फ सिंगल सेल है, लेकिन थोड़े बहुत जो फंगाई रहते हैं ये क्या है, विजिबल टू ह्यूमन आई। इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, मशरूम्स रहेगा, एग्जाम्पल क्या रहेगा, मशरूम्स रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, दे आर सैफ्रोफाइट्स। सैफ्रोफाइट्स का मतलब क्या है, ये डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करेगा, दे आर सैफ्रोफाइट्स। और एंड अब्सॉर्ब दे आर फूड, फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स, एंड ऑब्जॉर्ब दे आर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो है, दे रिप्रोड्यूस, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और एसेक्सुअली। अभी इसमें क्या होता है,
अभी ये वाले में क्या रहता है, ये वाले में एक फीमेल एंड मेल रहता है, इसमें क्या रहता है, एक फीमेल एंड मेल रहता है फंगल। एसेक्सुअली में क्या रहता है, नो जेंडर, एसेक्सुअली में नो जेंडर। सेक्सुअली में क्या रहता है, एक फीमेल एंड मेल पार्टनर रहता है, एसेक्सुअली में नो जेंडर, मतलब कोई फीमेल मेल नहीं रहता है। और इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, इसका एग्जाम्पल रहेगा, इसका एग्जाम्पल लिखो, बाय सेल डिवीजन एंड, और लिख सकते हो बाय बडिंग। मैं जरा बडिंग का जरा इधर में जरा डायग्राम समझा देता हूं, बडिंग क्या रहता है करके, पहले इधर तक लिख लो, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा, ठीक है, ये अपना क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा। बडिंग में क्या होता है, इधर जरा ध्यान दो सब लोग, बडिंग में क्या होता है मालूम है, इसमें एक स्मॉल एक बर्ड आता है, इसमें क्या होता है, एक स्मॉल एक बर्ड आता है जो क्या होता है, ग्रो होते रहता है, जो क्या होता है, ग्रो होते रहता है। और थोड़े टाइम के बाद क्या होएगा, ये बर्ड क्या होएगा, सेपरेट होएगा, ये बर्ड क्या होएगा, सेपरेट होएगा। तो ये अपना पेरेंट रहेगा एंड ये क्या रहेगा, उसका ऑफस्प्रिंग रहेगा। तो देखो बर्ड में क्या होता है मालूम है क्या, स्टार्टिंग में क्या होता है, ये अपना पेरेंट रहेगा, ये पेरेंट को यहाँ पे एक स्मॉल ग्रोथ होता है, ये पेरेंट को यहाँ पे एक स्मॉल ग्रोथ होता है जो क्या करता है, डेवलप होते रहता है। और जैसे ही वो मैच्योर हो जाएगा क्या होएगा, ये सेपरेट होएगा, सेपरेट होने से क्या होएगा, ये वाला क्या रहेगा, हम लोग का पेरेंट रहेगा एंड ये वाला क्या रहेगा, ऑफस्प्रिंग रहेगा। इधर सिर्फ ये डी। अभी देखो नेक्स्ट आता है एल्गे। अभी एल्गे का जो साइज है ये है 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब क्या है, 10^-9, मतलब यहां पे 0.00000, मतलब इतना छोटा रहेगा, ठीक है, ये मेरे को लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 इतना ही, ठीक है, इतना स्मॉल रहता है। तो इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। तो फर्स्ट क्या है, ये एक एल्गी मतलब क्या रहता है मालूम है क्या, आप लोग कभी देखोगे कोई भी ऐसा एक पॉन्ड रहेगा तो उसके ऊपर एक ग्रीनिश कोटिंग आता है, तो ये ग्रीनिश कोटिंग कौन देता है, एल्गे देता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, दे आर एक्वेटिक, दे आर एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब क्या है, वाटर लिविंग, मतलब ये लोग सिर्फ वाटर में ही हम लोग को दिखेंगे। या फिर एक्वेटिक का और एक मतलब क्या है, इनको पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए, मतलब आप जब बारिश के टाइम देखोगे आपको दिखेगा कि कभी कभी फ्लोरिंग पे क्या रहता है, ग्रीन कलर रहता है, अगर आप उस पे चलोगे तो आप क्या होते, स्लिप होते हो। तो एक्वेटिक मतलब क्या, इनको पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे आर यूकैरियोटिक, दे आर यूकैरियोटिक, और क्या है, यूकैरियोटिक के साथ ही साथ यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर के साथ साथ और क्या है, ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक का मतलब क्या है, ये खुद से अपना फूड बनाता है, दे आर यूकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर एंड ऑटोट्रोफिक। नेक्स्ट क्या है, ये जो एल्गे रहता है इनका कलर क्या रहता है, ग्रीन, ओके, ये एल्गे का कलर क्या रहता है, ग्रीन रहता है। और ये ग्रीन कलर किसके वजह से है, और ये ग्रीन कलर किसके वजह से है, क्लोरोप्लास्ट के कारण, क्लोरोप्लास्ट
ठीक है, ये ग्रीन कलर किसके कारण है? क्लोरोप्लास्ट के कारण, जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जो किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में। तो ये हम लोग ने वही दिन स्ट्रक्चर बनाया था, कैसा रहता है, एक सेल, प्लांट का सेल कुछ रेक्टेंगुलर शेप में रहता है, इसके सबसे बाहर किस में क्या रहता है, सेल वॉल, अंदर क्या रहता है, वैक्यूल रहता है, फिर यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे सर्कल्स रहते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस रहता है। क्लोरोप्लास्ट का कलर क्या रहता है, ग्रीन कलर, मतलब ये हम लोग ने ऑलरेडी देखा था प्लांट का सेल जो रहता है। ओके, तो थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट, फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन, नहीं तो इतना ही लिखो, क्लोरोप्लास्ट बस इतना लिखो। नेक्स्ट क्या है इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, क्लोरेला, बस एक ही एग्जाम्पल याद रखो, क्लोरेला बस इतना लिखो। नेक्स्ट क्या लिखो, दे आर यूनिसेल्यूलर बट अ फ्यू ऑफ देम आर विजिबल टू नेकेड आई, बट अ फ्यू ऑफ देम आर विजिबल टू नेकेड आई। मतलब इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, जो आप जो ग्रीन कलर देखते हो फ्लोर्स पे बारिश के वक्त, या फिर स्टोन्स के ऊपर एक पतला से ग्रीन कलर का एक लेयर रहेगा, ये क्या है, एल्गे का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हम लोग को क्लियरली आइस से दिखता है। इधर है ना, ये लिखो है, मेरे को लग रहा है इतना छोटा नहीं रहेगा, यहां पे माइक्रो लिखना, नैनो कट, एन कट करो और यू लिखना, यहां पे ये जो साइज है इसमें यू लिखना, ये नैनो बहुत छोटा होता है एल्गे के लिए, तो लग रहा है माइक्रो रहता है, माइक्रो लिख लेना। अभी जो सबसे लास्ट है वो है वायरस। अभी हम लोग वायरसेस को कोई भी कैटेगरी में नहीं पकड़ते, रीजन क्या है कि वायरस, देखो कोई भी मेन चीज क्या है, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कैसे करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एक सेकेंड, हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिफाइन क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स विच शो मूवमेंट। Organisms which show movement. Living organism का मतलब क्या है? Organisms which show movement. मतलब कोई भी living organism क्या दिखाना चाहिए? Movement दिखाना चाहिए। अगर वो movement display करता है, इसका मतलब क्या है? वो एक living organism है। लेकिन viruses में क्या होता है? Viruses में कोई movement रहता नहीं है। इनको हम लोग living organism क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें रहता है डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, इनमें रहता है डीएनए एंड आरएनए। तो ये डीएनए एंड आरएनए क्या है, ये क्या करता है, ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है, ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है। ओके, अभी देखो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सपोज आपके जो डैड मॉम है, इनका कुछ ना कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक मिला रहेगा, जैसे कि हाइट रह सकता है, कलर रह सकता है, हेयर, मतलब हेयर का जो कलर है वो, बॉडी वेट, ये सब क्या रहता है, आपके एंड्स, मतलब डैड या फिर ग्रैंडफादर, इनके थ्रू आपको वो जेनेटिक मटेरियल मिलता है। सेम होता है वायरसेस में, वायरसेस में कोई मूवमेंट नहीं रहता है, मतलब ये लोग मूव नहीं करते, लेकिन इनमें जेनेटिक मटेरियल रहता है जो ट्रांसफर करते हैं
अपने ऑफस्प्रिंग में, मतलब जैसे हम लोग का पेरेंट्स रहेगा उनके क्या रहता है जेनेटिक मटेरियल हम लोग को मिलता है, वैसे ही वायरस क्या करता है एक पार्ट से दूसरे, मतलब एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करता है ट्रांसफर करता है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वायरस इसका डेफिनेशन है दे आर ऑर्गेनिजम्स, नहीं इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ये इधर से चालू करना, ये बस आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा है, दे आर ऑर्गेनिजम्स विच आर क्या क्या साइज, ठीक है मैं साइज, इसका साइज मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को लग रहा है नैनोमीटर में रहेगा, 10 नैनोमीटर to 100 नैनोमीटर लिख दो, वायरसेस बहुत छोटा रहता है, ये लिख लें, दे आर ऑर्गेनिजम्स विच आर एट द एज ऑफ लिविंग 100 विच आर एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। अभी इसका मतलब क्या है कि वायरसेस जो रहता है, अगर सपोज ये साइड पे लेफ्ट साइड पे हम लोग का लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहेगा और राइट साइड पे हम लोग का नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहेगा, तो वायरसेस कहां पे लाई करता है, वायरसेस लाई करता है ये दोनों के बीच में, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के एग्जैक्टली सेंटर में लाई करता है। क्लियर है इसका मतलब क्या है, ये रहेगा ठीक है, ये बना लेना, इसका मतलब आपको उसके समझेगा। फिर फर्स्ट पॉइंट लिखो, दे आर एक्सट्रीमली माइन्यूट, दे आर एक्सट्रीमली माइन्यूट, इसका ये लिखो, ओनली कैन बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अभी देखो दो तीन टाइप के माइक्रोस्कोप रहते हैं, जो सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप है सिंपल माइक्रोस्कोप, ये कहां यूज होता है, क्लॉक्स एंड वॉचेस रिपेयर करने में। इसके बाद आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या यूज करते हैं, लेंस यूज करते हैं, दो लेंस या तीन लेंस यूज करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम लोग बैक्टीरिया को देख सकते हैं, जो सबसे एक्सट्रीम जो सबसे मॉडर्न इलेक्ट्रोस्कोप है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं। ओके, वायरसेस को हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट लिखो, दे आर फाउंड इन इंडिपेंडेंट बॉडीज, दे आर फाउंड इन इंडिपेंडेंट बॉडीज। मीटिंग वापस ज्वाइन, ओके, इंडिपेंडेंट बॉडीज। इसके बाद क्या है, दे आर अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए एंड डीएनए। ये आरएनए एंड डीएनए क्या है, इधर मैं लिखता हूं, आरएनए एंड डीएनए रहता है जेनेटिक मटेरियल, आरएनए एंड डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या, इनमें क्या रहता है, इनमें रहता है जीन्स, इनमें रहता है जीन्स रहता है। तो ये जीन्स किसमें हेल्प करता है,
जीन्स बस इतना ही लिखो, जीन्स लिखना, और आरएनए का फुल फॉर्म लिखो, इधर लिख दो आरएनए का फुल फॉर्म। आरएनए का फुल फॉर्म रहेगा राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म रहेगा डी ऑक्सी, ये लिखना डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये दो का बस फुल फॉर्म लिख लेना। अभी लास्ट क्या है, लास्ट है नहीं, लास्ट दो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे आर फाउंड, ये तो हो गया, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, फिर क्या रह सकता है, हाँ ये रह सकता है वायरस सर्वाइव ओनली इन लिविंग प्लांट एंड एनिमल सेल्स। अभी इसका क्या मतलब है कि वायरस को जिंदा रहने के लिए क्या लगता है, लिविंग सेल्स लगता है, मतलब अगर कोई एनिमल या फिर कोई प्लांट मर जाता है तो वायरस भी क्या होएगा, वायरस भी मर जाए, तो वायरस को जिंदा रहने के लिए एक लिविंग प्लांट एंड एनिमल लगता है। अगर प्लांट और एनिमल क्या हो गया, मर गया, तो क्या होएगा, वायरस भी क्या होएगा, मर जाता है। इसके बाद इसका रीजन लिखो, दिस इज बिकॉज दे नीड लिविंग सेल्स, दे नीड लिविंग सेल्स टू क्रिएट रेप्लिका, टू क्रिएट रेप्लिका। ये रेप्लिका का मतलब क्या, देखो अभी क्या होता है, ये सपोज हम लोग का क्या है, ये सपोज हम लोग का लंग सेल्स है, ठीक है, इसके ऊपर क्या रहता है, बहुत सारा रिसेप्टर्स रहता है, बहुत सारा क्या रहता है, रिसेप्टर्स रहता है। अब ये रिसेप्टर्स का बहुत सारे काम है, मतलब सिग्नल को ये करना या फिर सिग्नल को ट्रांसफर करना, ऑक्सीजन या फिर न्यूट्रिशन को लेना, ये उनका काम रहता है, तो इसको हम लोग लेते हैं लंग सेल लेते। अभी क्या होता है मालूम है क्या, मतलब सपोज हम लोग का बॉडी एक वायरस के साथ इन्फेक्ट हुआ, ठीक है, सपोज हम लोग का बॉडी एक वायरस के साथ क्या हो गया, इन्फेक्ट हो गया, तो क्या होता है मालूम है क्या, ये वायरस का जो रिसेप्टर्स रहता है, ठीक है, ये वायरस का जो रिसेप्टर्स रहता है, ये क्या होता है, किसके साथ कनेक्ट होता है, लंग सेल के रिसेप्टर्स के साथ, ये वायरस किसके साथ जाता है, लंग सेल के रिसेप्टर्स के साथ जाके अटैच होता है। अटैच होने के बाद क्या होता है, ये यहां से क्या करेगा, अंदर के तरफ क्या करेगा, एंटर करेगा, ये क्या करेगा, लंग सेल के अंदर क्या होएगा, एंटर होएगा। एक बार ये लंग सेल के अंदर एंटर हुआ तो ये क्या करेगा, इसके अंदर का जो डीएनए है, इसके अंदर का जो डीएनए है, इसको क्या करेगा, ये कॉपी करेगा, ये जो कोरोना मतलब कोई भी वायरस क्या करेगा, ये डीएनए को क्या करेगा, कॉपी करेगा, और एक बार जब कॉपी किया, ये क्या करेगा, उसके बहुत सारे वायरसेस मतलब रेप्लिकास बनाएंगे, ये क्या करेगा, बहुत सारा क्या करेगा, रेप्लिका बनाएगा। रेप्लिका मतलब क्या, कार्बन कॉपी, मतलब ये जो कोरोना वायरस या फिर कोई भी वायरस रहेगा, इसका क्या बनाएगा, ये कॉपीज बनाएगा, ठीक है। पहले देखो हम लोग इसमें, हम लोग रिप्रोड्यूस होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स बोलते हैं,
लेकिन यहां पे ये ऑफस्प्रिंग्स नहीं बोलते, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिका बोलते हैं। तो ये जो रेप्लिका ये क्या करेगा, ये लंग सेल के बाहर जाएगा और दूसरे जो लंग सेल्स है उनको जाके क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। ये क्या करेगा, दूसरे लंग सेल्स पे जाके क्या करेगा, ये वायरस रेप्लिका क्या करेगा, ये रिसेप्टर पे आके क्या होएगा, स्टिक होएगा और इसमें एंटर करके क्या करेगा, नया नया रेप्लिका बनाएगा। और ये प्रोसेस क्या होता है, रिपीट होते रहता है, रिपीट होते रहता है। और इससे क्या होता है, हम लोग क्या होते हैं, बीमार होते हैं। ठीक है, ये मैंने जो बनाया ये आप लोग का कोरोना वायरस का बनाया था, बेसिक मतलब कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कैसे रहता है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या रहेगा, दीज रेप्लिकास इन्फेक्ट न्यू सेल्स, दीज रेप्लिकास इन्फेक्ट न्यू सेल्स। हाँ बोलो ना, एंड मे कॉज डिजी, एंड मे कॉज डिजीजेस, मतलब वायरसेस अगर हम लोग के बॉडी को इफेक्ट किया तो इन्फेक्ट किया तो क्या होएगा, हम लोग को डिजीज प्रोड्यूस होएगा। एक अच्छा एक एग्जाम्पल क्या रहेगा, COVID-19। ये किससे प्रोड्यूस्ड है, SARS-CoV-2 वायरस। ठीक है, वायरस का नाम क्या है, SARS-CoV-2।